अक्षय कुमार को जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी 11 फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप रही, तब आपको कैसा लग रहा था? अक्षय कुमार ने पहले उनको करेक्ट किया कि 11 नहीं सर, 16 फिल्में, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से हूँ। जब उनकी फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो रही थी, तब उनको घर से बाहर निकलने में भी शर्म आ रही थी। सेट पर लोग ताने मारते थे कि और कितनी फ्लॉप देगा भाई, लेकिन उन्होंने अपना कंट्रोल नहीं खोया। उन्होंने दुनिया पर नहीं, खुद पर फोकस किया, खुद पर काम किया और यह सोचा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या बदलने की ज़रूरत है। जब आप टूटना शुरू करते हो ना, याद रखना इस बात को, जब आप टूटना शुरू करते हो तो दुनिया आपको और तोड़ने की तैयारी में होती है। बस उस टाइम पर आपको दुनिया को नहीं, खुद को देखना है। अगर आपने ये गलती कर दी, दुनिया को देखकर बैठे रहे, सब खत्म हो जाएगा। अक्षय कुमार आज भी अपनी फिल्म को 40 से 45 दिन में पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैं एक फिल्म के लिए 100 दिन नहीं दे सकता।